हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा, आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइंस एंड एंगल, यानी कि कोण एवं रेखाएं। तो यहाँ पर हमने आपको लाइंस पढ़ा दिए हैं कि लाइंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट आपको पढ़ा दिया है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके बाद आपको रेज बता दिए हैं कि रेज क्या होती है, लाइंस के कुछ टाइप्स आपको बताया जिसमें हमने आपको हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस बता दी। तो यहाँ पर हमने लाइंस का जो पोर्शन है वो आपको सब बता दिया है, उसका रिवीजन भी आपके साथ हमने कर लिया है। अब एंगल्स पे हमने एंगल्स के बारे में बताया कि एंगल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके वर्टेक्स की यानी कि शीर्ष के बारे में आपको बताया, उसके आर्म्स यानी कि भुजाओं के बारे में बताया, इनिशियल जो साइड होती है वो क्या होती है एंगल्स में, और इसकी जो टर्मिनल साइड होती है वो क्या होती है, सब हमने इस सब पर डिस्कशन कर दिया। तो आई होप कि आपने घर में ये सब रिविजन किया होगा। हम करेंगे सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंगल दैट एड अप टू 90 आर राइट एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि एक ऐसा एंगल, दो ऐसे एंगल जिनको हम क्या करते हैं, अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है, 90 डिग्री या फिर समकोण आता है। तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे कि वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में गिवन है, देखिए यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका बी एक्स सी, बी एक्स और सी, ये एंगल जो आपका बन रखा है, ये एंगल एंड सी एक्स डी, ये दोनों एंगल आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्योंकि यहाँ से पिक्चर को आप देखिए कि किस तरह का एंगल आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं, ये आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो एंगल्स को हम क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, तो उन एंगल्स को हम कहते हैं कि वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। इसके बाद है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंगल दैट अप एड अप टू 180 अ स्ट्रेट एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल बनता है, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे कि वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि पिक्चर में आपको गिवन है, यहाँ पे देखिए ए एक्स डी, तो ए यहाँ पर है और एक्स और डी, ये आपका एक क्या है, एंगल है। एंड सी एक्स डी, सी एक्स डी, तो नीचे को आप देखिए एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। इसी तरह से अगर आप इस लाइन को नीचे की तरफ, अगर मैं क्या कहूँ आपको, अगर मैं ये कहूँ कि लाइन आपका इस तरह से बना है, ठीक है, इस तरह से आपकी लाइन ड्रॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या कहा गया है कि नीचे के जो दो एंगल हैं ए एक्स डी और डी एक्स सी, ये क्या है आपका, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं आपको ये कहूँ, ये आपका क्या है, ए है, ये आपका ओ है, ये आपका बी है, ये सी और डी, आप नाम इनका कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं आपसे क्या कहूँ, एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल और एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपके क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो हिंदी में भी हम इसको देखेंगे क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप कहते हैं पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल को आप क्या कहते हैं, समपूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो एंगल्स को, दो कोणों को हम आपस में जोड़ दें और उन कोणों का मान कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, वो आपके पूरक कोण होंगे, ठीक है। और अगर दो एंगल्स को आप आपस में जोड़ दें और उनका जो योग है वो 180 डिग्री आए, तो ऐसे कोण को हम कहेंगे वो समपूरक आपका कोण है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि आपका पूरक कोण है, ये आपका सप्लीमेंट्री, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। 180 आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन पर, इस तरह से हम क्या करते हैं एंगल बनाते हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो ये आपका कितने का होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है या कि यानी कि संपूरक आपका कोण है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण क्या होते हैं, दो एंगल्स को जब आप क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं और उनका योग 90 डिग्री या फिर समकोण आ जाए, तो ऐसे
ऐसे एंगल को हम कहेंगे कि वो आपके पूरक कोण है। और यदि दो एंगल्स को आप आपस में ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और उनका ऐड जो है 180 डिग्री या कोई स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पर जो एंगल बनता है, तो ऐसे एंगल को भी आप क्या कहेंगे, संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हम कुछ सप्लीमेंट्री एंगल्स को देखेंगे। तो देखिए अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, कम्प्लीमेंट्री निकालना है इन एंगल्स का। तो यहाँ पे देखिए 20 डिग्री, तो हम जानते हैं, देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमें क्या निकालना है, इस 20 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। 20 डिग्री का जब हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो देखिए 20 का जो है हमें पता है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको 90 में से माइनस कर सकते हैं। देखिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20 डिग्री एज एक्स। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि ये जो है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है, वो कितना है, वो एक्स है। अब हमको पता है एक्स डिग्री मान लेंगे, कोई एंगल होगा वो। ठीक है, अब हमें पता है एक्स डिग्री और प्लस 20 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री आपका होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ से देखिए अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 20 को ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा, x आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 70 डिग्री। तो x आपका कितना निकल गया है, 70 डिग्री। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है, एंगल है, वो क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट की जगह पर कॉम्प्लीमेंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो देखिए इसको रफ कर लेंगे। अब देखिए सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड हमें गिवन है 63 डिग्री का, हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इसका एंगल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एंगल कितना गिवन है, 63। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री इज इक्वल टू, आप इसको x मान लीजिए। ठीक है, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं कि जो x है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, 63 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो x है। तो हम क्या जानते हैं कि 63 डिग्री प्लस x बराबर कितना होता है, 90 डिग्री के। ये हमने अभी अभी आपको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो है, जब हम दो एंगल्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, 90 के बराबर होगा। तो जो 63 है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, देखिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा किसके, 90 डिग्री माइनस में 63 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x कितना आ जाएगा आपका, 7 और 20। तो x आपका कितना आ गया है,
27 डिग्री। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 इज इक्वल टू 27। थर्ड पार्ट है हमारे पास अब यहां पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए एंगल कितना है, अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 57 डिग्री का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, लेट कॉम्प्लीमेंट्री, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ऑफ 57 डिग्री इज इक्वल टू x, इसको मैंने x मान लिया है, ठीक है, ये भी डिग्री में आएगा, एंगल है। तो देखिए x डिग्री, अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x डिग्री प्लस 57 डिग्री का जो योग है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री के इक्वल आता है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको क्या बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, यानी कि दो एंगल्स को जब हम सम करते हैं, यानी जब एक एंगल दूसरे एंगल के कॉम्प्लीमेंट में है तो दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, अब हमें x निकालना है तो x डिग्री बराबर आ जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, अब 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से x डिग्री निकाल लेंगे, तो x डिग्री बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 में से 33 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना निकल गया है आपका 33 डिग्री, तो 57 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है 33 डिग्री, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड कर लिया है, हमारे पास कुछ एंगल दे रखे हैं यहाँ पर जैसे 20 डिग्री, 63 डिग्री और 57 डिग्री, तो इसका इन कोणों का हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण निकालना। तो यहाँ से हम इसको x डिग्री लेट कर सकते हैं या फिर आप सीधे ही क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे, तो वो थोड़ा सा और लगेगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसका, जो भी एंगल आपको गिवन है वो आपका x डिग्री है, ठीक है। अब आप जानते हो कि x डिग्री, क्योंकि अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 57 का जो है x कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 57 और x का जो एडिशन होगा, जो योग होगा वो 90 बराबर होगा, वो हमने कहाँ पे पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ लिया है। तो देखिए ये 90 के बराबर होगा, तो x का मान हम यहाँ से इजीली निकाल लेंगे ट्रांसपोज करके, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि ट्रांसपोज आप कैसे करते हैं वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर x आपका अननोन वैल्यू है और इसको हमने निकालना है, ठीक है, तो हम ट्रांसपोज से इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है, तो यहाँ हमने क्या लिख लिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 57 इज इक्वल टू 33, और जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो वो 90 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमने कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण क्या होते हैं, वे कोण जिनको आपस में जोड़ने पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं या फिर एक समकोण बनाते हैं या फिर राइट एंगल बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम करेंगे सप्लीमेंट्री पर कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री हमने आपको क्या बताया कि क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल वही होते हैं, दो एंगल्स को जब हम आपस में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और उनका जो एडिशन है, जो उनका योग है वो 180 डिग्री के एंगल्स के बराबर होगा, यानी 180 डिग्री का वो एंगल बनाएंगे, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे वो आपके सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास है 105, तो 105 का आपको क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
लेट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री इज एक्स डिग्री। तो इसको भी आप क्या मान लेंगे, ये कोई एक्स डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट या फिर क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि जो 105 डिग्री है, अब देखिए 105 का जो सप्लीमेंट्री है वो x है, यानी कि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि 105 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको x को हमने निकालना है, ये एक वेरिएबल से अननोन वैल्यू है, तो इस अननोन वैल्यू को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 105 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया है, जो हमें निकालना था उसको x फाइंड कर लिया है, और जो हमें जानकारी थी, हमें क्या पता था कि जो x है और 105 है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री में है, और हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको सब्ट्रैक्शन ट्रांसपोज कर लिया है। अब देखिए x कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखिए 5 में से 5 7, तो 75 आपका क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, x का मान। यहाँ से अगर हमें अपना आंसर चेक करना हो कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा है, 105 और 75 का जो योग है, जो सम है, वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 105 डिग्री प्लस में x डिग्री, तो x कितना आ गया आपके पास, 75 डिग्री आ गया है। अब ये दोनों जोड़ करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम ऐड कर लेंगे, तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 और 1 आपके पास कह रही थी, तो वो 8 आ जाएगा और 1 आपका। तो यहाँ से देखिए हमने क्या कर लिया है, इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने ये फाइंड कर लिया है कि जो 105 का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है, 75 डिग्री। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए, तो आप बच्चों को सबको समझ में आ गया, ये देखिए हमें क्या निकालना है, 87 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है आप उसे एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज मेथड आपने सीखा है, इक्वेशन सिंपल इक्वेशन में कैसे आप क्या करते हैं, वेरिएबल्स को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, आप क्या लिखोगे, लेट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87 इज एक्स डिग्री, या फिर आप क्या कहेंगे कि यदि 87 डिग्री का संपूरक कोण x है, x डिग्री है क्योंकि वो कोण में है, तो उसको आप डिग्री में लिखेंगे कि यदि 87 का संपूरक कोण x डिग्री है, तो हम जानते हैं, वी नो दैट वी
वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो 87 है, जब इसका ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो योग होगा, वो 180 के डिग्री के इक्वल आएगा। तो हम क्या लिख सकेंगे यहाँ से, 87 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से एक्स डिग्री का मान निकालना है। तो सिंपल इक्वेशन में हमने आपको बताया था किस तरह से आप वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यूज होती हैं उसको ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका 87 डिग्री है और ये प्लस का है। अब इसको हमें ले जाना है उस साइड, उस बराबर के उस साइड में। तो देखो, ये प्लस का जो साइन है ये आपका माइनस का साइन हो जाएगा वहां जाके। तो यहाँ तो आपके पास एक्स डिग्री बचा और 180 डिग्री आपके पास यहाँ पर है, माइनस में हम क्या कर देंगे, 87 डिग्री। अब इसको माइनस कीजिए, इतना तो आपको आता होगा माइनस करना। 180 में से आप 87 को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए और बताइए एक्स का मान कितना निकला है। तो देखिए, यहां से आपके पास एक्स का मान कितना आया है, फटाफट कीजिए इसको। एक्स का मान किसी ने निकाला, एक्स का मान, तो चलिए आप लोग इसको कीजिए। तो देखिए, यहां से हम इसको सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो ये तो आपको आता ही होगा, 180 और 87 इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए, एक कैरी यहाँ से आएगी, 10 में से आपका 7 गया, 3 बचेगा, यहाँ पे 7 बचा और इधर से 1, तो 17 में से 8 गया 9। ठीक है, तो 93 डिग्री आपका आंसर आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज आपने क्या पढ़ा है, आज हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है। यहाँ पर हमने पूरक और संपूरक कोणों को पढ़ा है। पूरक कोण क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब हम दो एंगल्स को आपस में ऐड करते हैं और उनका जो एडिशन है, जो योग है, वो 90 डिग्री आता है, तो ऐसे एंगल को हम पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, और संपूरक कोण क्या होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल्स को आप आपस में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और उनका योग 180 डिग्री आता है, तो तब वो एंगल आपके आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आप इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।